भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को नशे की गिरफ्त में ले आए हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि तिहाड़ जेल से भी कोई बड़ी सजा हो तो वो केजरीवाल को मिलेगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि केजरीवाल को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने दिल्ली की जनता को नशे की गिरफ्त में डाला है, उसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। अपने पापों का प्रायश्चित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो आपने भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली को जो बदनाम किया है आपने, चाहे दिल्ली में आपने दारू का घोटाला हो, दारू में भ्रष्टाचार किया, दिल्ली को नशे की गिरफ्त में लाने के लिए चौक चौक चौराहे चौराहे आपने दुकानों का विस्तार किया दारू माफियाओं के साथ मिलकर, और साथ में आपने फर्जी क्लिनिक, ये तो पहली बार हमने सुना है कि दिल्ली में ही संभव हो पाया है। आपने रोगियों के इलाज किए बिना ही उसमें भी पैसा खा लिया, और सबसे बड़ा पाप तो हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ आपने भारत के साथ किया। सुना है कि आजकल आपके आतंकवादियों से भी नजदीकी की संबंध है। इस तरह की जो पाप आप केजरीवाल जी कर रहे हो, ये पापों का प्रायश्चित भी आपको करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद फिर आपको तिहाड़ी जाना है, या तिहाड़ से बड़ी कोई जेल और बड़ी सजा ही आपको मिलेगी। हिंदुस्तान की जनता हर उस ईमानदार के साथ है जो ना खाएगा ना खाने देने का नारा दे रहा है। इसलिए भारत की जनता केजरीवाल जी पहले भी मोदी जी के साथ थी, आज भी मोदी जी के साथ है, आने वाले दिनों में भी मोदी जी के साथ रहेगी। भ्रष्टाचारियों को भारत ने कभी माफ नहीं किया, उनको सजा दिलाने का काम भारत का न्यायालय ने किया है, भारत की जनता ने किया है, और उस सजा के लिए आप तैयार रहें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।